गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग नहीं, मैम। गुड आफ्टरनून हो गया वैसे तो भी। चलिए चलिए, बस सेटल हो जाइए जल्दी से। हाँ जी, यूनिट टेस्ट की तैयारियां कैसी चल रही हैं बच्चों? बढ़िया चल रही हैं सब? मैथ के जो चैप्टर्स आने हैं आपको, सारे अच्छे से हो गए? हाँ जी, हाँ ना, कुछ तो बोल दो। यस चलिए, तो हम कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ एमसीक्यूज हमारे रह गए थे असाइनमेंट के, वो करके फिर हम जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, उसमें से एक दो जो इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेंगे। ठीक है जी, निकालो जी। मॉड्यूल 4 एमसीक्यूज हम कर रहे थे। आई थिंक फर्स्ट कर लिया था या अभी चल रहा था। चलिए फर्स्ट से ही वापस कर लेते हैं, कर लिया था तो भी फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, और नहीं किया तो हो जाएगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिरेटर बाय 3। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस तो जा रही है। हेलो, कहाँ पर? 10th A में या B में? कहाँ पर क्लियर नहीं आ रही आवाज? 10th A, 10th B, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, 10th B। हाँ जी बच्चों, अब आवाज आ रही है मेरी? ठीक है ठीक है, हाँ ऐसे ही आ रही है। चलो ठीक है जी। तो वी आर स्टार्टिंग विद MCQ 1 दैट सेज द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3। लेट मी सपोज द रैशनल नंबर एज P/Q की फॉर्म में आई एम टेकिंग एज x/y। अब जो मुझे रिलेशन दिया है वो क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिरेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिरेटर से। ठीक है जी, तो कौन बड़ा, वाई बड़ा है या एक्स बड़ा है? वाई बाय बड़ा है। कितना बड़ा है? वाई एक्स से बड़ा है। कितना? ग्रेटर देन इट्स न्यूमिरेटर बाय 3। तो अब मुझे बताओ, मैं एक्स में 3 ऐड करूं वो वाई के बराबर बनेगा, या वाई में 3 ऐड करूं वो एक्स के बराबर बनेगा? एक्स में 3, क्योंकि वाई तो पहले ही बड़ा है, अगर मैंने इसमें 3 और ऐड कर दिया तो ये इसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है जी, वाई एक्स के कंपैरिजन में बड़ा है, या तो मैं इसमें से 3 माइनस कर दूं तो इसके इक्वल होगा, या इसमें 3 ऐड कर दूं तो ये वाई के बराबर बनने वाला है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले थोड़ा सा फोकस करेंगे ध्यान पूरे का पूरा स्टेटमेंट के ऊपर। सबसे पहले एनालाइज करो कौन सी टर्म बड़ी बताई जा रही है, कौन सी छोटी बताई जा रही है। जो टर्म ऑलरेडी बड़ी है उसमें कुछ एडिशन नहीं की जा सकती। यहाँ पर y पहले ही बड़ा था तो y में कुछ ऐड नहीं हो सकता, y में से या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और ऐड करना है तो x में करोगे। तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू x+3। इसका मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन है वो एक रिलेशन तो हो गया, y इज इक्वल टू x+3। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी न्यूमिरेटर। हाँ जी, अगर 3 को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब x -3 -3 एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। +2 जब हम ये करते हैं तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 1/5 अब एक ये रिलेशन पड़ा है मेरे पास, एक ये रिलेशन पड़ा है, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे फ्रैक्शन निकालना है, मतलब एक्स और वाई निकालना है। यस करो फिर फटाफट से।
यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आपके लिए इजिएस्ट पॉसिबल, वाई की वैल्यू ये एक्स प्लस थ्री यहाँ पे डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स निकालो और बताओ क्या बन रहा है। बातें नहीं किसी ने भी करनी, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और बताओ मुझे। हाँ जी, एक्स की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। और अगर एक्स 5 आ जाएगा तो 5 + 3 वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी और फ्रैक्शन हो जाएगा 5/8। लो जी, वाई को डाला x+3, x+3 + 2 इज इक्वल टू 1/5, x-3/x+5 इज इक्वल टू 1/5। नाउ आई नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 5 × x-3 इज इक्वल टू x+5, 5x-15 इज इक्वल टू x+5। एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया, 5x-x, 15 उधर शिफ्ट किया तो 15 + 5 4x इज इक्वल टू 20, सो x की वैल्यू 5। और जब x को यहां पर 5 डालेंगे तो y आ गया 8, तो फ्रैक्शन हो गया 5/8। अब हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है, फिर बीच वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम कर रहे हैं। इन अ फ्रैक्शन, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई। हाय अब हम केस वन ले लेते हैं, पहली सिचुएशन में मुझे क्या कहा जा रहा है उसकी बात हम करेंगे। पहली सिचुएशन में मुझे कहा जा रहा है इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब अब मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स। न्यूमिरेटर था एक्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3x। और अगर मैं यहां पर स्टेटमेंट देती न्यूमरेटर इज नाउ 3 times द प्रीवियस न्यूमरेटर, तब भी क्या यही करना था? या हमने कहा, हमने सीधा यूज कर लिया कि न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, इसकी जगह अगर मैं स्टेटमेंट देती नाउ द न्यूमरेटर इज 3 times द प्रीवियस न्यूमरेटर, तो भी क्या यही बात होती? तो टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जा रहा है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन, कहाँ एडिशन, कहाँ सब्ट्रैक्शन। चलिए जी, आगे मुझे क्या कहा जा रहा है, डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3। रिड्यूस का मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? रिड्यूस्ड, डिक्रीज्ड, ऐसा कुछ भी वर्ड हमने यूज कर लिया तो मुझे करनी है सब्ट्रैक्शन। नया डिनोमिनेटर y-3, क्योंकि मैंने कहा डिनोमिनेटर को 3 रिड्यूस कर रहे हैं, ऐसा करने पर फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 18/11। बनाओ जी इक्वेशन, बनाओ। न्यूमरेटर 3x, डिनोमिनेटर y-3 एंड फ्रैक्शन इज 18/11। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मींस 3x/y-3 इज 18/11। एक ये मेरे पास समझ में आ गई मुझे बात, ये मेरे पास इक्वेशन बन जा रही है। ठीक है जी, अब पहले इसी को चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट एक बात बताना मुझे, बिफोर गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या मैं ये 3 और 18 को कैंसिल कर सकती हूँ? कैन दीज बी कैंसिल्ड और नॉट? ये बात याद रखना, जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जा रहे हो, सबसे पहला स्टेप कुछ कॉमन, कुछ कैंसिलेशन, कुछ हो रहा है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन उतनी ही आसान हो जाएगी। 3 और 18 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 6। अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 11x इज इक्वल टू 6 times y-3, 11x
इज इक्वल टू 6y-18, 11x-6y इज इक्वल टू -18। लो जी एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, 11x-6y इज इक्वल टू -18। अब हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है मुझे सेकंड केस में? मुझे कहा जा रहा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8। हाँ जी, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, एक्स प्लस एट। इंक्रीज करने का मतलब है ऐड कर देना। सिंपल कह सकते थे व्हेन 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, ठीक है जी, एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड, बाय 2y। डबल करने का मतलब है 2 टाइम्स कर दिया है हमने अपने नंबर को। न्यूमरेटर में 8 ऐड किया है, डिनोमिनेटर को डबल किया है, और ऐसे करने पर मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया है? 2/5। इसका मतलब अब मुझे मिल गया x प्लस 8 अपॉन 2y इज इक्वल टू हाउ मच? 2/5। चलिए जी, जरा इससे भी इक्वेशन बनाइए। क्या बनाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम देख रहे हैं कहीं कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में पड़ा है तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो सिंपल अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या इक्वेशंस बनाई है वो मुझे बता दीजिए। 5x-4y=40। 5x+8 5 = 40 इज इक्वल टू 4y। 4y को शिफ्ट कर दिया हमने, 5x-4y इज इक्वल टू -40। मुझसे पूछा गया कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? ओरिजिनल फ्रैक्शन था x बाय वाई, मतलब मुझे x और y दोनों की वैल्यूज अब चाहिए। ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं और इनको सिंप्लीफाई करके मैंने x और y निकालना है। जरा दे रही हूं 1 मिनट, जल्दी से करो और मुझे बताओ क्या आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशंस हैं 11x-6y इज इक्वल टू -18, एंड अनदर वन इज 5x-4y इज इक्वल टू -40। टर्म थोड़ी बड़ी बड़ी हैं तो हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए। ध्यान से सोच समझ के लगाना कौन सा मेथड आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वेदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जो भी लगाओ थोड़ा सोच समझ के ध्यान से करना, क्योंकि गलती होने का चांस है। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़े नंबर्स हैं हमारे पास, तो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग। शाबाश, जल्दी जल्दी, और सब काम करते हुए नजर आने चाहिए मुझे, बातें मारते हुए कोई सा बच्चा नजर नहीं आना चाहिए। टेंथ भी लास्ट में जो बच्चे दो गर्ल्स बैठी हैं पीछे। हाँ बेटा, काम हो रहा है कि नहीं, की बातें हो रही हैं? चलिए जल्दी जल्दी से करिए सॉल्व और बताइए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या बना रहे हो, क्योंकि मुझे बताना है फ्रैक्शन, और मेरा फ्रैक्शन जो है वो है एक्स अपॉन वाई। ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई है, तो मुझे एक्स और वाई की टर्म वैल्यूज बतानी है। जल्दी से करिए सॉल्व और बताइए मुझे। हाँ जी, सॉल्व नहीं हुआ अभी तक?
कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन एलिमिनेशन बिल्कुल, जब भी नंबर्स बड़े आ जाते हैं या किसी भी एक्स या वाई में से किसी का कोफिशिएंट वन नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो ऑलवेज ट्राई टू गो बाय एलिमिनेशन नॉट बाय सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, सपोज वाई की वैल्यू डाल रहे हो, तो 11x+18 अपॉन 6 आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है एलसीएम वगैरह लेना, वो काम गड़बड़ हो जाता है। तो एलिमिनेशन लगाएंगे हम, सब्स्टिट्यूशन अवॉइड करेंगे यहाँ पर। बच्चों इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए, कोई वैल्यू किसी की भी नहीं आई अभी तक एक्स और वाई की। एनीवन फ्रॉम 10th हु हैज गॉट द आंसर फॉर एक्स एंड वाई? वैल्यू ऑफ एक्स हाँ, वैल्यू ऑफ एक्स इज 12 12 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 25। 25 x 12 y 25। हम कह रहे हैं एलिमिनेशन मेथड पर जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन पर नहीं जाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब है मुझे या तो एक्स के कोफिशिएंट्स को सेम करना है या तो वाई के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। बच्चों यहां पर ध्यान से मेरी एक बात को सुनना। पहले आपके पास एलिमिनेशन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं क्या कहूं, पहली इक्वेशन को 5 से दूसरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, मैं पहली इक्वेशन को 4 से दूसरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वाई के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करके हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको एक बात और समझ में आती है क्यों मैं वो कह रही हूं? यहां पर देखो, यहाँ कोफिशिएंट -6 है, यहाँ -4 है। एलिमिनेशन का मतलब मुझे कोफिशिएंट को सेम करना है, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या मेरी बात बन जाती है? यहां पर ये -12, यहां पर ये -12। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 6 से या 4 से या 11 या 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ दिक्कत है या उसमें कुछ गलती है। नहीं, गलती कुछ नहीं है। लेकिन जितना छोटा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, उतने न्यूमरल्स छोटे, उतनी कैलकुलेशन आसान, और आपके लिए भी गलती करने का चांस भी उतना ही कम। ठीक है जी? सो यू कैन थिंक इन दैट वे। नहीं समझ में आता तो ऐसा नहीं, खुद को कंफ्यूज नहीं करना, जो नॉर्मल मेथड से कर रहे हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए जिसमें छोटे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से इसको सेम किया जा सकता है, विल प्रेफर दैट। 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 22x-12y=-36। 3 से करूंगी तो 15x-12y=-120। सेम साइन दोनों का तो मुझे करनी है सब्ट्रैक्शन। यहां पर आ गया 7x, ये कैंसिल हो गया, 120-36। सेवन एक्स इज इक्वल टू 84। तो x निकालने के लिए 7 से दोनों तरफ डिविजन, जब 7 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 1s 7 2s, x की वैल्यू आ गई 12। ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में या इसमें जिसमें मर्जी डाल दो, इसमें डालेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट छोटा है यहाँ पर, रादर देन ऊपर वाले में डालने के नीचे वाले में डाल देते हैं। x को 12 डालेंगे तो 12 × 5 60 -4y = -40। इधर शिफ्ट कर देते हैं, 100 = 4y, तो y की वैल्यू 100 / 4 दैट इज 25। तो x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू 25, सो माय फ्रैक्शन इज 12/25। हाँ जी, जिसको समझ में नहीं आया है क्या किया हमने, वो माइक के पास आ जाओ और पूछो। एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन? मैंने यहां पर 2 और 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? रीजन मैंने बता दिया, छोटे नंबर्स हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन से मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, मेरे वाई के कोफिशिएंट सेम हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 2 और 3 को सेलेक्ट किया। वरना आप इसको 4 से इसको 6 से मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकते थे, इसको 5 से इसको 11 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, गलती कोई नहीं है उसमें। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड?
चलिए फिर अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर टू. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन. डिजिट्स के क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने किए थे. दिस इज अगेन डिजिट बेस्ड क्वेश्चन. यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, नंबर क्या बन रहा है, क्या रिलेशंस हैं, वो हमने देखने हैं. क्वेश्चन नंबर टू. सबका ध्यान अपने मॉड्यूल पर क्वेश्चन पढ़ने में, इधर उधर देखने में बिल्कुल नहीं. 10th A स्टूडेंट सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच बॉयज. आपके पास मॉड्यूल है? हाँ, तो ध्यान मॉड्यूल में नहीं है. चलिए जल्दी से रीड करें क्वेश्चन को. मैंने अभी माइक पे बुला करके पूछना है क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे चलना है हमने. तो ऐसा ना हो कोई माइक के पास आ जाए और अभी उसने क्वेश्चन भी पढ़ा ही ना हो. आई कैन कॉल एनी बडी नियर द माइक एंड कैन आस्क वॉट इज टू बी डन इन द क्वेश्चन. जल्दी जल्दी पढ़ लो क्वेश्चन को. टेंथ ए साहिल, आ जाओ बेटा माइक के पास आ जाओ जल्दी से. हाँ जी, मुझे बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें कैसे शुरू करना है. मुझे एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना बेटा. मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला था रीड करने को, इसीलिए मैंने कहा था जरा ध्यान जो कहा जा रहा है उस पर रखा करो. इसको बताना जरा कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने रीड करने के लिए. फोर्थ बोला कि सेकेंड बोला? रेशियो बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 4:1 हाँ इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस व्हाट इज द नंबर. ठीक है जी, बताओ कैसे शुरू करूं. मुझे क्या दे रखा है, रेशियो बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट इज गिवन टू मी. सो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन. डिजिट्स वाले क्वेश्चन कैसे करते थे हम, मैम लेट करेंगे करो बताओ क्या लेट करूं. बोलो जी क्या लेट करना है मुझे, किसको लेट करूं. एक्स, टू डिजिट नंबर. अच्छा 2 डिजिट नंबर को एक्स लेट कर लूं. यू वांट टू से लेट 2 डिजिट नंबर इज एक्स. अच्छा आगे बोलो क्या करूं फिर. नंबर टू की जगह वही यहाँ क्या करूं, आप बता रहे थे मुझे, मुझे नहीं पता आप जो बोल रहे हो, मैं तो लिखती जा रही हूँ. वहां पे बात है कहाँ पर 1 लिखूं बेटा, यहाँ. फर्स्ट और सेकंड डिजिट बोला जाता है या डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड यूनिट डिजिट एट टेंथ प्लेस बोला जाता है. टेंस. तो हम यहाँ पर पहली चीज कह रहे हैं लेट यूनिट डिजिट इज एक्स एंड टेंस डिजिट इज वाई. नंबर बताना बेटा क्या बनेगा. अगर टेंस डिजिट को एक्स लिया है, वाई लिया है और यूनिट डिजिट को एक्स लिया है, सो व्हाट इज द नंबर, हाउ द नंबर विल बी फॉर्म्ड. पता नहीं क्लास में क्या करते हो. पिछली क्लास में बच्चों बताओ जरा, पिछली क्लास में डिजिट के क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे, किए थे या नहीं किए थे. और क्लास में भी आपने किए होंगे जरूर.
जाइए जी सीट पे। इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड कर लेना एवरीबडी। वोट यू सी सचिन, 10th बी, रवनीत, हाँ जी बेटा। अगर मैंने यूनिट डिजिट को एक्स लेट किया है, 10th डिजिट को वाई लेट किया है, तो नंबर क्या है बेटा? 10x+y। 10x+y, ध्यान से सोच पूछे। अगर मेरे पास नंबर हो 45, तो कौन सी डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हो बेटा? 10s प्लेस वाली को या यूनिट्स प्लेस वाली को? 45+x। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 10y+x। आई राइट इट एज 10s प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और उसमें यूनिट डिजिट की एडिशन। सो नंबर इज 10y+x। अब क्वेश्चन कंडीशन लगवा दो जरा, क्या कहा गया मुझे? रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 4:1। बोलो बच्चे, कैसे इक्वेशन बनाऊं, क्या सिचुएशन है, कैसे इसको मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूं? मुझे कहा गया रेशियो, रेशियो का मतलब समथिंग अपॉन, अपॉन वाली फॉर्म में ले जाना है रेशियो। किस किस की रेशियो लेनी है? नंबर की और सम ऑफ डिजिट की। नंबर क्या लिया मैंने बेटा? बेटा नंबर क्या है? 10y+x, अभी बताया आपने। मेरे को चाहिए रेशो किस किस की, नंबर अपॉन सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है बेटा, नंबर की जगह क्या लिखूं बेटा? 10y+x। बिल्कुल ठीक है, और सम ऑफ डिजिट्स को कैसे लिखूं? 4 डिवाइड बाय 1। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 1 लिख दूँ? बेटा पहले सम ऑफ डिजिट्स तो बताओ, डिजिट्स क्या ले रखी है मैंने, एक्स एंड वाई, सम का मतलब। x+y। तो बेटा ये कितना दिया है, 4/1। चलिए सीट पर ध्यान से देखेंगे सारे, मुझे क्या कहा गया? रेशियो ऑफ नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स। आप लोग या तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है या दिमाग को खर्च नहीं करना चाहते हैं, दोनों में से कुछ तो बात जरूर है। सीधी सीधी स्टेटमेंट दी है, कोई घुमा फिरा के कोई स्टेटमेंट दी, बिल्कुल नॉर्मल बात की, किसकी रेशियो निकालनी है, नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट का मतलब होता है जैसे ये 45, तो इसमें एक डिजिट 4, दूसरी डिजिट 5। मैंने क्वेश्चन में डिजिट सिलेक्ट कर रखी है एक्स एंड वाई, सम का मतलब उन दोनों की एडिशन। नंबर है 10y+x, और ये यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इक्वेशन बना लेते हैं। जब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी इक्वेशन आएगी 10y+x इज इक्वल टू 4x+y। फाइव y वाले टर्म इधर शिफ्ट कर दें, 10y-y इज नथिंग, फोर वाई, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक, 4x+4y, 10y-4y करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स वाई, और यहां से 3x, तीन और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू, तो मेरे पास एक कंडीशन आ चुकी है, x इज इक्वल टू 2y। अब अगली कंडीशन पढ़नी है मुझे, अगली कंडीशन क्या कहा जा रही है मुझे? इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन दी डिजिट एट दी 10th प्लेस। बेटा
डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो कौन सी बड़ी है, यूनिट प्लेस वाले डिजिट बड़ी है कि टेंस प्लेस वाले डिजिट बड़ी है? यूनिट प्लेस पे मेरे पास एक्स पड़ा है, टेंस पर वाई पड़ा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री या एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई? मैक्स एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया डिजिट इन द यूनिट प्लेस मतलब कि एक्स 3 ज्यादा है किससे, डिजिट इन द टेंथ प्लेस। ये ऑलरेडी ज्यादा था, कितना, 3 ज्यादा था इससे, इसका मतलब या तो इसमें से 3 माइनस करती तो इसके बराबर आता, या इसमें 3 ऐड करूंगी तो इसके बराबर आएगा। ये बात समझ में आती है सभी को? अब एक ये सिचुएशन है तुम्हारे पास और एक ये दो इक्वेशंस पड़ी हैं, इसको सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई बताना है। सब्स्टिट्यूट बिल्कुल आसान है, यहां पर एक्स की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं, एक्स की वैल्यू है वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3। वाई अगर 3 है तो एक्स क्या आ जाएगा, 6। और नंबर क्या हो जाएगा, नंबर था मेरे पास 10y+x, 10 × 3 30+6, सो माई आंसर इन दिस केस विल बी 36। सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो इस तरह की कंडीशन में, एक नंबर दूसरे से बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी में एडिशन होती चली जाती है, इसीलिए क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। तो सब, जो हाँ जी हाँ जी, हमारी सेकंड इक्वेशन थी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, उसमें हमने 10y क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे यहां पर डिजिट्स का रिलेशन बोला गया बेटा, मुझे नंबर, देखो 10y कब आता है, सिर्फ जब मुझे नंबर फ्रेम करना है, यहाँ रिलेशन नंबर्स में नहीं दिया था, मुझे यहाँ रिलेशन किस में दिया, डिजिट्स में। पहले इस बात को ध्यान से समझो, अगर मेरा नंबर है 45, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिट्स, डिजिट्स आर 4 एंड 5, डिजिट्स 40 और 5 नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड, Yes. इसीलिए 10y नहीं दिया गया, Okay. ठीक है। तो हमारे पास नंबर बन गया है 36, ठीक है जी, समझ में आया सबको क्वेश्चन? डिजिट्स वाले क्वेश्चन में मैं फिर से कह रही हूं, अगर आपके पास इतना काम हो गया है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जब आपको बड़ा नंबर छोटा नंबर किस में एडिशन किस में सब्ट्रैक्शन, मैं फिर से कहती हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद रफ स्पेस में लिख लिया करो, दो वेरिएबल ले रखे हैं एक्स और वाई, क्वेश्चन को पढ़ के ये तो समझ में आ जाता है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन, इनके लिख लो लार्ज स्मॉल जो भी है, जो बड़ा नंबर है उसमें कभी भी कुछ ऐड मत कर देना, क्योंकि बड़े नंबर में कुछ और ऐड करोगे तो वो छोटे के बराबर कभी नहीं जा सकता, बड़े में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है या स्मॉलर में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी इक्वालिटी पे जा सकते हो, वरना इक्वालिटी पे नहीं पहुंच पाओ, ठीक है जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर कर लोगे तो पेपर में गलती का चांस रिड्यूस हो जाता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ पर्स कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹1 और 50 पैसा, मतलब मेरे पास 1 रुपी के कॉइन्स हैं और 50 पैसा के कॉइन्स हैं। The total value of the coin is 14 less than the total number of coins. यहां पर अब दो बातें समझनी है, एक नंबर ऑफ कॉइन्स एंड सेकेंड इज वैल्यू ऑफ कॉइन्स। व्हेन आई से वैल्यू ऑफ कॉइन्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट इन रुपीज। बच्चों अगर मेरे पास, बातें कर लो 10th A स्टूडेंट्स, आंसर कोई करेक्ट नहीं करते, बातें करने में सबसे आगे स्पेशली बॉयज,
क्वेश्चन को रीड भी नहीं करते, यही नहीं पता होता क्वेश्चन हो कौन सा रहा है, और बातें करने में सबसे आगे। हाँ जी, मैं कह रही हूं मेरे पास 1 रुपी के 10 कॉइन्स हैं, तो हाउ मच इज द वैल्यू इन रुपीज ऑफ दोज कॉइन्स? 1 रुपए के 10 कॉइन्स मेरे पास पड़े हैं, और आपसे कोई पूछे कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, हाउ मच मनी डू यू हैव? 10 रुपीज। अगर आपके पास 2 रुपए के 10 कॉइन्स हो तो कितने पैसे हुए आपके पास? 20। 20। अगर आपके पास 50 पैसा के 10 कॉइन्स हो, हाउ मच मनी डू यू हैव? 5 रुपीज। आपके पास 25 पैसा के 4 कॉइन्स हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव? रुपी 1 रुपी। आप लोगों ने तो शायद 25 पैसा 50 पैसा के कॉइन्स देखे भी नहीं होंगे, देखे हैं कभी 25 पैसा कॉइन? 50 पैसा तो शायद, मे बी। यस चलिए, आजकल तो 50 पैसा 25 पैसा कॉइन चलते ही नहीं है, बेयर मिनिमम 1 रुपी वाला ही है। बट हमें ये दो बातों में डिफरेंस सबसे पहली बात समझ में आनी चाहिए कि कितने कॉइन्स पड़े हैं और उन कॉइन्स की वैल्यू इन रुपीज क्या है। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पर्स में 1 रुपी के और 50 पैसा के कॉइन पड़े हैं, ठीक है जी? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 रुपी कॉइन एक्स पड़े हैं, कितने पड़े हैं मुझे मालूम नहीं है, तो आई एज्यूम लेट नंबर ऑफ रूपी 1 कॉइन्स इज एक्स एंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज वाई। अब जो अगला रिलेशन दे रखा है वो मुझे दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स में और वैल्यू ऑफ कॉइन्स। तो पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें, फिर जो रिलेशन दिया उसके हिसाब से कर करा के कुछ आंसर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन एक्स है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स वाई है। अब मुझे इनकी वैल्यू इन रुपीज चाहिए, जो 1 रुपए के एक्स कॉइन्स पड़े हैं उनकी कितनी वैल्यू हुई, हाउ मच मनी इज इट गोइंग टू गिव मी? 1 रुपए के 10 कॉइन थे तो कितने पैसे थे मेरे पास? 10 रुपीज। 1 रुपए के 20 हो तो 20 रुपए, तो अगर 1 कॉइन के एक्स हो तो रुपयों में कितना? अब ऐसे ही सोच समझ के आंसर करना। 50 पैसे के वाई कॉइन्स हैं आपके पास, अगर 50 पैसे के 10 कॉइन हो तो कितने पैसे हैं आपके पास? 5 रुपीज। अगर 20 कॉइन हो तो 10 रुपए, 30 हो तो 15 रुपए, और अगर वाई हो तो कितने? सिंपल सी कैलकुलेशन है, 50 पैसा इज इक्वलेंट टू हाफ रुपी। रुपयों में कन्वर्ट करूं तो आधा रुपया हो। अगर वाई कॉइन्स मैंने रखे हुए हैं 50 पैसे के, तो इन रुपीज उसकी वैल्यू क्या होगी? वाई बाय टू होगी। यहां तो सबको समझ में आ रहे। अब क्वेश्चन को एक बार वापस चलते हैं, हमें क्या कहा गया कि टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन, अब यहां पे हम लिख लेते हैं एक वैल्यू एक नंबर। मुझे क्या कहा गया, वैल्यू ऑफ कॉइन इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन, तो वैल्यू के आगे क्या लिख देंगे? एल ना स्मॉल, वैल्यू ऑफ कॉइन इज लेस देन, मतलब ये छोटा है, नंबर ऑफ कॉइन्स इज बिगर। ये बात समझ में आती है? Yes। कितना फर्क है दोनों में, वैल्यू ऑफ कॉइन में और नंबर ऑफ कॉइन्स में? तो 14 लाख। अब सोच के बोलना, 14 किस में ऐड करूं, वैल्यू में ऐड करूं कि नंबर ऑफ कॉइन में ऐड करूं? छोटा वैल्यू है उसमें ऐड, बिफोर दिस ये वैल्यू है, अब नंबर ऑफ कॉइन्स भी लिख लेते हैं।
नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे टोटल एक्स प्लस वाई। अब ये छोटा है मतलब इसमें मैंने क्या ऐड कर देना है, 14। इसमें जब मैंने 14 को ऐड कर दिया तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स के बराबर हो गया। छोटी चीज में कुछ ऐड करके उसको बड़ा कर सकती हूँ, तो छोटे में मैंने ऐड कर दिया जितना वो उससे लेस था। ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, 14 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाय टू, तो वाई बाय टू आ गया। वाई बाय टू अगर 14 है तो वाई कितना आएगा, आई एम गेटिंग वाई बाय टू एज 14, सो वॉट विल बी वैल्यू ऑफ वाई, 28। 28 अब मेरे से पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, वाई ही पूछा गया था जिसकी वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने, 28। दोबारा देखो क्वेश्चन के अंदर दो बातें थी समझने की, एक रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ कॉइन्स एंड वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू मीन्स व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज इट फॉर्मिंग, नंबर मीन्स काउंट कितना है। 1 रुपए के अगर एक्स कॉइन्स हैं तो इन रुपीज वो एक्स ही मुझे वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन अगर 50 पैसे के वाई कॉइन्स हैं तो वो मुझे वाई रुपए नहीं देंगे, वो कितने देंगे, उससे आधे। क्यों देंगे, क्योंकि 50 पैसा हाफ रुपीज के बराबर है। तो अगर आपने वाई कॉइन 50 पैसे के रखे हैं तो इन रुपीज उसकी वैल्यू बनी वाई बाय फिर मुझे दो चीजों में रिलेशन दे रखा था, किसमें, वैल्यू में और नंबर ऑफ कॉइन्स में। क्वेश्चन पढ़ के ये तो मुझे समझ में आ गया कि वैल्यू छोटा है नंबर बड़ा है, ये बात मुझे समझ में आती है कि छोटे में कुछ ऐड करने पर बड़े के बराबर बनेगा या बड़े में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटे के बराबर बनेगा। सो कीपिंग दिस इन माइंड मैंने वैल्यू में 14 ऐड करके उसको नंबर ऑफ पॉइंट्स के बराबर कर दिया और मेरा आंसर आ गया। समझ में आई है बात या नहीं ये बताओ मुझे। चलो फिर अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, ये तो बहुत आसान है वैसे क्वेश्चन, इसके कंपैरिजन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। लेट मी सी व्हाट यू डू। हाँ जी जल्दी जल्दी से करिए, हमें क्या कहा गया यहाँ पर, अरुणा हैज रुपी वन एंड रुपी टू कॉइन्स विद हर, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 दे रखे हैं एंड अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹75। आपको बताना है वैल्यू ऑफ रुपी वन एंड रुपी टू कॉइन्स, एनीवन हु इज एबल टू गेट द आंसर। क्वेश्चन वैसे ही शुरू करेंगे, लेट करेंगे, लेट 1 रुपी कॉइन एक्स है, 2 रुपी कॉइन वाई है, फिर उनका अमाउंट इन रुपीज निकाल दो। अगर 1 रुपए की एक्स कॉइन है तो कितने रुपए बने, 2 रुपए के वाई कॉइन है तो कितना अमाउंट बनेगा। अमाउंट की एडिशन 75 दे रही है और नंबर ऑफ कॉइन्स की एडिशन 50 दे रही है। हाँ जी, एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग, इक्वेशंस बनवाएगा कोई, कोई अपने आप से आगे आ रहा है 10th A में से या मैं ही आवाज देके बुलाऊं। एनीवन फ्रॉम 10th A हु वांट्स टू कम नियर द माइक एंड टेल मी व्हाट इज टू बी डन। ₹25 बिल्कुल ठीक है, 25 एंड 25, किस किस का आंसर 25 25 आ गया, हाथ खड़ा कर दो जरा। 10th A और 10th B, जिस जिस का आंसर 25 आया है हाथ खड़ा कर दो, एक दूसरे को मत देखा करो, तुम्हारा आ गया मतलब आ गया ना। बस दो चार बच्चों का आया है, बाकी बैठे आराम से टाइम पास हो रहा है।
हाँ जी, 10th भी किसी का आंसर नहीं आया। हमने लेट किया 1 रुपी कॉइन। एक्स है एंड 2 रुपी कॉइन्स, वाई तो वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन रुपीज कितनी होगी बच्चों? अगर 2 रुपए के 5 कॉइन हो आपके पास तो कितने पैसे हो गए आपके पास? ट्वेंटी अगर 2 रुपए के 10 कॉइन हो तो पैसे कितने हुए? डबल हो रहे हैं, क्योंकि 2 रुपए का है 1 कॉइन, तो जितने कॉइन उससे डबल उसकी वैल्यू। 1 रुपी में सेम रहता है, 2 रुपी में डबल हो गया, 50 पैसा में आधा हो गया था। अब ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 75। और टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं मुझे? एक्स बस जी, आसान थी, इक्वेशंस बन गई हैं, कुछ करने को है नहीं क्वेश्चन में, सब ट्रैक्ट कर देते हैं। वाई इज इक्वल टू 25। अगर वाई 25 आ गया और एक्स प्लस वाई 50 है, तो एक्स भी कितना आ जाएगा? 25। इसका मतलब आपके पास 1 रुपी के 25 कॉइन्स हैं और 2 रुपीज के भी 25 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स मिलकर के 50 बन गए और वैल्यू बन गई 75। ठीक है जी। चलिए जी, अब आप इस मॉड्यूल में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, एमसीक्यू में हो, असर्शन रीजन में हो, केस स्टडी में हो, कुछ भी है तो मुझे बता दो। जो 3 4 मॉड्यूल हमने किए, 2 हमने पॉलिनोमियल्स के मॉड्यूल किए हैं, 2 हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मॉड्यूल किए हैं, अगर इन चारों में से किसी में कोई प्रॉब्लम है वो बता दो, या पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कुछ भी दिक्कत है तो वो बता दो। एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स? चलिए जी, मतलब ये दोनों चैप्टर प्रिपेयर हो गए आपके टेस्ट के लिए, आप कुछ पूछ नहीं रहे हो, मतलब सब कुछ समझ में आ गया इसमें। अब फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से आपको 2 3 चीजों के ऊपर काम करना है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आने हैं, कुछ ज्यादा बचा नहीं है फर्स्ट चैप्टर में आपके पास। एलसीएम, एचसीएफ। आवाज मैम, आप इधर 10th मिनट आ रही हो? ओके ओके ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं और जोर से बोलूं ताकि आपको आवाज मेरी क्लियरली सुन जाए। अभी सुन रही है आवाज बच्चों? ठीक है जी। तो अभी हम बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में 2 3 कॉन्सेप्ट ही हैं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट इज फाइंडिंग आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। सेकेंड है प्रूविंग सम पर्टिकुलर नंबर √7 इरेशनल। ठीक है जी। फिर एलसीएम एचसीएफ के कुछ आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, और चौथी चीज आपका फॉर्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये 4 ही चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ चैप्टर में है नहीं जिस पे से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो हम फटाफट से, अभी है हमारे पास 10 15 मिनट, चारों पर एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वो एक बार क्विकली आपका रिवाइज भी हो जाए और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, लो जी, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। फटाफट पेन कॉपी निकालो और जल्दी जल्दी आंसर करते जाना। जितनी जल्दी जल्दी आंसर करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और उतना ही बेटर रहेगा हमारे लिए। लिखो जी। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज गिवन टू बी 145। HCF is given to be 145. LCM is given to be 2175. LCM of 2 numbers is 145. HCF is 145. LCM is 2175. One of the numbers is
वन ऑफ द नंबर्स इज 725, यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर। फाइंड द अदर नंबर। फॉर्मूला टू बी यूज हेयर इज एवरीबडी नोज एलसीएम इन टू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। चलिए जल्दी जल्दी से डालिए, क्या क्या कुछ दे रखा है, क्या अननोन है, निकाल करके मुझे आंसर बता दो क्या बनाते हैं। And the answer is 435. Answer is 435. कैलकुलेशन पार्ट है, कोई कॉन्सेप्ट की तो कोई बात है ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला, वैल्यूज गिवन है, पुट करनी है, कैंसलेशन करनी है और आंसर निकालना है। एलसीएम इज 145, एचसीएफ इज 2175, वन नंबर इज 725, अदर इज टू बी कैलकुलेटेड, लेट मी टेक दैट एज ए। तो ए निकालने के लिए 145 इंटू 2175 डिवाइड बाय 725। फाइव से सारे नंबर कैंसिल हो रहे हैं आपके, किसी को भी कैंसिल कर लो। फाइव टू द 10, 5 9 45। 145 अब 145 और 2175 को फिर से फाइव पे कैंसिल कर सकते हैं। इसको जब फाइव पे कैंसिल करूंगी तो 29, इसको करूं तो फाइव 435, ये 29, 29 से कैंसिल, सो आंसर इज 400। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। Find the LCM and HCF of 336 and 54 and verify the result. Verify the result. LCM into HCF is equal to product of numbers. थ्री थर्टी सिक्स और फिफ्टी फोर का एलसीएम निकालो, एच सी एफ निकालो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और ये देखना है क्या दोनों सेम बनते हैं या नहीं। एच सी एफ इज कमिंग आउट टू बी 6, और जो आपको एलसीएम एच सी एफ निकालना है दैट इज बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गिवन इन योर बुक। तो हमें एलसीएम एच सी एफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। फिफ्टी फोर का प्राइम फैक्टराइजेशन, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ कहा जा रहा है मुझे आ रहा है 6 और एलसीएम। फिफ्टी फोर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 2 2 7 जा, 3 पर जाएंगे तो 3 9 जा एंड 3 1 जा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसका मतलब 54 कैन बी रिटन एज 2 into 3³। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज 2 into 3³।
और जब हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? एम एलसीएम 3024 है। एलसीएम इज 3024, करेक्ट। तो 336 इज 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब एलसीएम लेने के लिए, चलो पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ के लिए मुझे क्या करना होता है? जो नेम सेज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, यहां पर हम कहेंगे जो कॉमन प्राइम नंबर्स दोनों में आ गए वो देख लेते हैं। पहले एक 2 है और एक 3। अब यहां पर 2 की पावर 4, यहां पर 2 की पावर 1, एचसीएफ लेते हुए छोटे वाली पावर, छोटा एक्सपोनेंट उठाते हैं कि बड़े वाला उठाते हैं? बोलिए जी, कौन सा? स्मॉलर वन और द ग्रेटर वन? तो यहां से 2 की पावर 1, यहां पर 3, यहां पर 1, तो कौन सा लेना है मुझे? स्मॉलर अगेन, एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम लेते हुए जितने भी प्राइम फैक्टर तुम्हें दिख रहे हैं फैक्टराइजेशन में, सबको पहले लिख लो। 2, 3 और 7 ये दिख रहे हैं, जो दोनों में पड़े हैं लिखने एक ही बार है। अब स्मॉलेस्ट पावर की हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में देखो तो 4, यहां कंपैरिजन करूं तो 3 और यहां पर करूं तो 7। ठीक है जी, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एलसीएम मिलेगा। एलसीएम इज कमिंग आउट टू बी 3024। एलसीएम आ रहा है आपका 3024। पहला काम मुझे कहा गया था फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, जो हमने निकाल दिया 6 एंड 3024। फिर कहा गया ये रिजल्ट वेरीफाई करो। ये रिजल्ट वेरीफाई करने का मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के दिखाओगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के दिखाओगे। इफ इट कम्स आउट टू बी इक्वल तो वेरीफाई हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है इक्वल तो फिर एलसीएम एचसीएफ चेक कर लेना, वहां पर कुछ गड़बड़ करी होगी। ठीक है जी, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट आउट ऑफ दिस। दो नंबर का प्रोडक्ट दे दें, एलसीएम दे दें, एचसीएफ निकालने को बोल दें। दो नंबर का प्रोडक्ट दे करके एचसीएफ दे करके एलसीएम निकालने को बोल दें, एलसीएम एचसीएफ एक नंबर दे करके दूसरा निकालने को बोल दें, या फिर इस तरह की आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बोल दिया जाए। दूसरा टाइप जो था हमारे पास टू प्रूव से √7 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, वो आता है सबको? स्टेप्स क्लियर है सभी को? यस और नो, जल्दी जल्दी आंसर करो। डू यू नो हाउ टू प्रूव से √5 इज इरेशनल? ठीक है जी, 3 + √5 इज इरेशनल, मतलब प्योर इरेशनल हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल हो सकता है, इस पर क्वेश्चन आने का बहुत चांस है आपके पास, तो इसको ध्यान से करना। कोई डाउट है तो बता दो, एक क्वेश्चन करके देख लें, आता है तो ठीक है, कर लेंगे। yes. चलो फिर एक वर्ड प्रॉब्लम कर दो फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखना जरा जल्दी से। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फील्ड, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फील्ड। प्रिया टेक्स 18 minutes. Priya takes 18 minutes to complete one round of the field. Priya takes 18 minutes to complete one round around the field, while Ravish takes 12 minutes for the same. Ravish takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and
गो इन द सेम डायरेक्शन, गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? 36. यहां पर मुझे 18 और 12 का क्या लेना है? एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है और मैं उनका एलसीएम कैलकुलेट करूं, तो वो एलसीएम की वैल्यू क्या इन दो नंबर्स से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। जब भी आप एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका आंसर गिवन नंबर से हमेशा बड़ा आएगा या उसके इक्वल हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। ये जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या समझ नहीं आता कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? निकालना तो आता ही एलसीएम एचसीएफ, वो तो प्राइम फैक्टर एलसीएम सभी को आता है, निकालना क्या है ये पता करने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या आप सोच सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन था कि एक जना चला 18 मिनट के बाद यहाँ पहुंच गया, दूसरा 12 मिनट के बाद पहुंचा। अब अगर उन्हें दोबारा मीट करना है तो जो टाइम लगेगा वो 18 और 12 से ज्यादा होगा या इससे कम में मीट कर पाएंगे? ज़्यादा ज्यादा ही होगा। ज्यादा का मतलब क्या कैलकुलेट करना होगा? एलसीएम और अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से समझ में आए कि जो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए वो उन नंबर्स के कंपैरिजन में छोटी होगी, तभी बात बनती है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या निकालना होता है मुझे? एचसीएफ। क्योंकि जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसी भी दो नंबर्स का, वो नंबर्स के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होगा, वो उससे छोटा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो नंबर से बड़े होते हैं या तो उसके बराबर होते हैं। ठीक है जी। सो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू मेक आउट, और ये पता चल जाता है, ये इसमें दिक्कत नहीं है, कि जो आंसर होगा वो गिवन नंबर से बड़ा आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। बड़ा आना समझ में आ रहा है तो मतलब एलसीएम निकालना है, छोटा आना समझ में आ रहा है तो मतलब एचसीएफ निकालना है। एज सिंपल एज दैट। बहुत कंफ्यूजन की बात ही नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरा ध्यान से करना, अगर पेपर में आपके पास आ जाएं तो उनको। Yes. ठीक है जी। तो अब आपके पास तीनों चैप्टर्स थे, तीनों चैप्टर्स में आई होप आपको अभी दिक्कत नहीं है। तीन चैप्टर ही आने, कोई और भी आना है पेपर में? ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने पेपर देना, ध्यान से सोच के, ठीक है जी, विदाउट एनी प्रेशर, कूल माइंड से पेपर करेंगे तो हमेशा पेपर अच्छा ही जाता है। राइट। चलिए, ओके जी, ओके, बाय बाय, थैंक बाय यू, ओके। बाय।